थाना सिकंदराबाद पुलिस ने किया सोनू हत्याकांड का खुलासा। हत्या आरोपी मुन्ना आला कत्ल तमेंचे व मृतक की बाइक सहित गिरफ्तार। दिनांक 2 दिसंबर को थाना सिकंदराबाद क्षेत्र गेसुपुर भराना रोड पर एक अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर शव फेंक दिया था। मृतक की शिनाख्त सोनू पुत्र सुरमल सिंह निवासी गांव बरमतपुरा थाना गुलावटी के रूप में हुई। फिरोजाबाद के थाना पचोखरा क्षेत्र में टेम्पो सवार महिला को उसके ही पति ने थाना पचोखरा के गांव इमलिया के निकट टेम्पो रोक कर गोली मार दी। कारतूस मिस होने पर महिला की जान बच गई। सवारियों में अफरा तफरी मच गई। सवारियों और एक फौजी ने पति और उसके साथियों को पकड़कर तमंचा सहित किया पुलिस के हवाले। 10 साल पहले हुई थी शादी, दोनों के बीच चल रहा है विवाद, दोनों का 10 साल का बेटा भी है। 2 बार तमंचे से चलाई गोली, दोनों बार नहीं हुआ फायर। भागते समय सवारियों ने दबोचा। आरोपी का कहना, पत्नी ने लिख रखे है कई झूठे मुकदमे जिससे वो परेशान है। बहनोई संगरचित थी हत्या की साजिश। घटना हुई है, ऑटो में बैठ के आ रही थी, इसके नंदोई ने इसके आदमी ने गोली चला दी वो रुकवा के, और क्या, फिर हमने बचाने की कोशिश की, गोली चल नहीं पाई, विक्स हो गई। तो जब हमने मारपीट कर ली, जब तमंचा छिना लिया, तो उसके बाद फौजी आया। मैं यहाँ से निकल के जा रहा था बम्बा से, तो यहाँ पर एक ऑटो में, एक बाइक पर, एक ऑटो में महिला बैठी हुई थी और एक बाइक पर 3 लोग थे, उनमें से एक निकला, उसने औरत को ऑटो रोक के उसमें गोली मारी। राउंड मिस हुआ तो मैं तुरंत बाइक रोक के उसमें लात मारी, तमंचा छीना उससे, जिसमें से 2 फरार हो चुके और एक मैंने पकड़ लिया। फिर तब तक पब्लिक आ चुकी है, पब्लिक ने रोक थाम करके फिर मैंने इंस्पेक्टर साहब को फोन कर दिया। इंस्पेक्टर साहब तुरंत आए अगले 1 मिनट में और वो उन लोग हमले पूरा मामला ये है कि जो मुझे मेरी शादी हुई थी तो ये परेशान रखते थे मुझे, मेरे पति रिंकू, मेरी सास सुखदेवी, हरी सिंह ससुर, और मेरी ननद प्रीति, और ये नंदोई प्रीकांत, और मेरे जेठ बबलू, ये सब लोग मुझे बहुत परेशान करता है, मारता पीटता है, खाना पीना नहीं देता है। तो मतलब 9-9 महीना अपने घर रह के आती थी, मैं यहाँ पे 8-10 दिन रह पाती, फिर मारा थोड़ी का आज उठना जी सही कि मैं आज तारीख पे जा रही थी, आज मेरी 11 तारीख थी। अच्छा, तो मैं तारीख पे जा रही थी, नगला बीच से बैठी थी, तो सवारी भी थी उसमें, तो आगे इसने मेरे नंदोई ने वो टेम्पो रुकवा दिया, दादा वादा था मुझे नहीं पता था, मैं तो ये जाननी थी कोई सवारी है भाई, रस्ते में उतरती रहती है। उसने आके 10 रुपए उसे दे के ये यूँ घूम कर और उसने मेरा गला मार यूँ पकड़ लो, वो उठाए तमंचा तब तो मेरे जाकर सुख फिर से करे, वो फिर उठाए मेरा जो पति आ रहा था पीछे बाइक लेके, उसने लाओ तमंचा भाई उन्हें धत्ता हो बाने फिर से करे, फिर ये सवारी सब कूद पड़ी है, मेरा पति मेरा बैग लेके खेतों में भाजो है, और मेरा नंदोई एक फौजी थे उनने दाब लिया है, उनने दाब के मारा पीटी भी कर दी के साले बताओ तमंचा से मार लो, फिर पब्लिक भाजे तो गई है मेरे पति को पकड़ के लाई है, फिर यहाँ पर थाने, फिर पुलिस पहुंची है, पुलिस फिर यहाँ पर थाने ले आई है। फिरोजाबाद से रिहान अली की रिपोर्ट।